कड़ी सुरक्षा, पग पग पर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित राक्षसियां। अवश्य सीता माता यही कहीं है। यदि माता सीता यहीं पर हैं, तो मैं अब भी उनके दर्शन प्राप्त करने में असमर्थ क्यों हूं? कैसा मूर्ख वानर हूं मैं इतने समय से यही विचार कर रहा हूं कि मैं माता सीता को ढूंढूंगा, मैं उनका पता लगाऊंगा, मैं उनको प्रभु श्री राम का संदेश दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, परंतु इस मैं के विचार में हनुमान तो ये भूल ही गया कि माता की इच्छा के बिना उनके दर्शन प्राप्त करना असंभव है। भक्ति में दंभ और अभिमान का कोई भी स्थान नहीं है हनुमान। मुझे माता सीता का ध्यान कर भक्ति भाव से उनके शुभ दर्शन प्राप्त करने की प्रार्थना करनी चाहिए। हे माता सीता, इस श्री राम सेवक प्रभु के इस तुच्छ दूत को दर्शन देने की कृपा करें, ताकि ये सेवक अपने प्रभु के काम आ सके। मुझे कोई संकेत देकर अपने समीप बुलाइए माता। हनुमान को अपने शुभ दर्शन दीजिए माता। हुआ माता, आपके अलौकिक दर्शन प्राप्त कर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया है माता। आपके समान शीलवान और दिव्य आभा से मंडित और कौन हो सकता है माता। आपके दर्शन से मेरा व्याकुल हृदय शांत हो गया है माता, निराशा उल्लास में परिवर्तित हो गई है। आपके दर्शन के लिए आतुर इस तुच्छ राम भक्त को दर्शन देकर आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है माता। मेरा जन्म सफल हुआ, आपको मेरा शत शत प्रणाम। प्रकाश पुंज कभी देखी, तरु की ओट बैठी बैदेही, हनुमत डाल बसे एक छोरा, मात को देखे भाव विभोरा। राम,
आनन छटा नयनाभिरामा, मन ही मन बज रंग प्रणामा। पवन तनय भय धन्य विलोचन, खोजली जान की संकट मोचन। माता इस स्थिति में, मां 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 धर्मशील मिथिला नरेश जनक की पुत्री, पुण्यात्मा महाराज दशरथ की पुत्र वधु और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी, दुख की छाया भी सदैव जिनसे दूर रही होगी, आज उन्हें विरह की अग्नि में तपते हुए देखने को विवश है मेरे नेत्र। नियति की कैसी क्रूर क्रीड़ा है ये, उधर जल बिन मछली के भांति प्रभु श्री राम तड़प रहे हैं और इधर माता सीता प्राण बिन देह के भांति कांतिहीन हो गई है। मुझे इसी क्षण माता सीता को ये बताना होगा कि उनके स्वामी प्रभु श्री राम ने हनुमान को उनके लिए संदेश देकर यहाँ भेजा है। ये क्या था? यहाँ कोई आसपास है क्या? इन राक्षसियों के समक्ष माता के समक्ष जाना उचित नहीं है। मुझे माता के एकाकी होने की प्रतीक्षा करनी होगी। ये कौन आ रही है माता सीता के निकट? कहीं ये माता को प्रताड़ित ना करें। देवी सीता, मैं अनिला हूं, दशानन लंकेश की भ्राता विभीषण की पुत्री। नाम मेरी माता को ज्ञात हुआ कि आपने भोजन आदि का त्याग किया हुआ है, अतः उन्होंने आपके लिए ये शुद्ध एवं स्वच्छ फल आदि भिजवाए हैं, कृपया करके इन्हें ग्रहण कीजिए। विभीषण जी की पुत्री अनिला कदाचित अपने पिताश्री की ही प्रतिछाया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसा ना कहिए देवी, कुछ तो ग्रहण कीजिए। ऐसे आप कब तक उपवास करती रहेंगी? जब 10 माह से कुछ ग्रहण नहीं किया तो अब क्यों ग्रहण करूं? उनकी सहृदयता के लिए उन्हें धन्यवाद कहना। इतनी पीड़ा, एक ओर विरह का दुख, दूसरी ओर क्षुधा, 10 माह से भोजन का त्याग, सत्य है नारी की सहनशीलता की कोई सीमा नहीं।
माता, आपकी इस तपस्या को नमन है मेरा। मुझे मात्र मेरे स्वामी की प्रतीक्षा है, भले ही मेरे प्राण मेरी काया क्यों न छोड़ते, किंतु तब तक एक ग्रास भी नहीं ग्रहण करूंगी जब तक मेरे स्वामी यहाँ आकर उस दुष्ट रावण को उसकी करनी का दंड नहीं दे देते। सीता! लंकेश का नाम आदर से ले, समझी? देवी सीता, ताक्षी लंकेश के विरुद्ध कुछ भी कहना आपके लिए हितकर नहीं होगा। लंकेश कभी भी किसी भी क्षण यहाँ आ सकते हैं। ये कैसी ध्वनियां हैं? प्रसन्नता से अपने भाग्य को स्वीकार कर ले सीता। सुखी रहोगी सुखी, राज करोगी राज। तुम्हारे भाग्य का निर्णय करने आ रहे हैं स्वयं दशानन महाराज रावण। वो देखो, लौह पर स्वर्ण की परत चढ़ा देने से लौह स्वर्ण नहीं हो जाता। तुम्हारी ये भव्यता तुम्हारी दुष्टता को नहीं छिपा सकती राक्षस राज रावण। एक पतिव्रता नारी के समक्ष वैभव का प्रदर्शन, ये प्रलोभन माता सीता को नहीं डिगा पाएगा मूर्ख रावण। हमसे मुंह मोड़ लिया? क्यों? यदि रावण ने माता सीता को तनिक भी क्षति पहुंचाने का प्रयास किया तो क्यों भयभीत हो रही है मिथिला की राजकुमारी? हम तो केवल आपको रानी बनाना चाहते हैं। इसमें हमने क्या अपराध किया? हाँ, अपराध तो हुआ है, किंतु वो अपराध आपके इस मोह लेने वाले रूप से हुआ है। अपराध आपके इन खंजन नैनों से हुआ है। कटकामिनी गजगामिनी, अपराध हुआ है तो आपके शीतलता प्रदान चंद्रवदन से हुआ है। जिसके मोह पाश में बंधा हुआ मैं महाबली
महाऐश्वर्य शाली लंकेश। पीछा चला आता हूँ। अपनी मृत्यु की ओर खींचे चले आ रहे हो तुम रावण। देखो सुंदरी, मैं किस किस को लाया हूँ यहाँ, केवल आपकी आपकी सेवा करने के लिए। देव कन्याएं, यक्ष गंधर्व कन्याएं, ये सब मेरी भांति आपकी दास बनने को व्याकुल हो रही हैं। यहाँ तक कि पटरानी मंदोदरी भी, यदि आप चाहें तो हम इन सब का त्याग भी कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो। बस एक बार आकर प्रेम भरी दृष्टि से एक बार तो देख लो किस प्रतापी वेदों का क्या था, महाबली रावण का प्रस्ताव विगत 10 माह से निरंतर ठुकराती जा रहे हैं आप। और मैं बेचारा बावला दिन रात मात्र आप ही के विषय के बारे में सोच रहा हूं। मेरे असीम प्रेम का इतना अनादर ना करो जनक नंदिनी। दुष्ट रावण, तुम्हारा सौभाग्य है जो मुझे प्रभु श्री राम ने अनुमति नहीं दी, अन्यथा मैं इसी क्षण तुम्हारे इस पापी मुख से तुम्हारी जिह्वा निकाल लेता। हमारी जिह्वा हर क्षण आपका ही नाम जपती रहती है। हमारे हृदय में झांक कर देखिए, इसके हर स्पंदन में एकमात्र आप ही बसी हैं। ज्ञात रहे अशोक वाटिका हमें सबसे अधिक प्रिय है, किंतु फिर भी आपकी कोमल सुंदरता के योग्य नहीं। आपकी सुंदरता तो राजसी सुख एवं वैभव प्राप्ति के योग्य है। हर क्षण का आनंद उठाइए। स्मरण रहे मिथिला की राजकुमारी, बीता हुआ समय और जाता हुआ यौवन लौट के वापस नहीं आता। कोई ज्ञानी इतना पतित कैसे हो सकता है? शिष्टता की सारी सीमाएं लांघ रहा है ये दुष्ट। अरे कैसी दयनीय स्थिति बना ली है आपने अपनी। क्षीण हुआ श्रृंगार, आभूषण विहीन दे, मेले हुए वस्त्र, पत्थर की शैया, अनवरत उपवास, क्या मिला आपको ये सब त्याग करके? आपको सब ऐश्वर्य प्राप्त करा सकता हूँ, सारे वैभव प्रदान करा सकता हूँ, जो कुबेर के स्वर्ण कोश में भी नहीं होंगे। वो वस्त्र दिला सकता हूँ जो इंद्र स्वर्ग में अपनी पति शचि को भी ना दे सके। समस्त सुख संसार के मैं आपके चरणों में डाल दूंगा। विचार करिए, वो वनवासी जिसके लिए आप सब त्याग करके यहाँ बैठी हो, उसने भला आपको दिया ही क्या है? हाँ, वर्षों का वनवास और
काफी है लंबी प्रतीक्षा। बहुत हो गया रावण, यदि कुछ और कहा माता सीता या मेरे प्रभु श्री राम के बारे में तो तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। भूल जाओ उस असभ्य नर को, त्याग दो अपना हठ और मुक्त हो जाओ अपने दुखों से। मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार कर लो प्रिय, और निकाल कर फेंक दो अपने हृदय से उस धारण नर को। सीते, शीघ्र ही ज्ञात करो वो जानकी कहाँ है जिसके बिना मैं अधूरा हूं। और हनुमान, लंका में रावण की शक्ति और सेना का भेद पता कर मुझे बता। श्री राम। विकट और विपरीत परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखना चाहिए, तभी परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी।